बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शाद आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबके सहानों को और आबाद रखे, अल्लाह ताला सबके रिस्क में इजाफा करे, अल्लाह ताला सब परेशान हालों की परेशानियाँ दूर करे, आमीन सो आमीन। मैं आज बना रही हूँ बनाना शेक, तो सोचा आपसे लोग शेयर करूँ। तो मैंने बनाना लिए हैं, 2 कप दूध लिया है और आधा कप चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो मैं पहले ब्लेंडर के अंदर 2 कप दूध डाल, 2 गिलास दूध ऐसे मैं बनाना डाल दूँ। मैं बनाना थोड़ा ज़्यादा ला लेती हूँ और आप अपने बहुत अच्छा बनेगा, बना के देखना। बनाना थोड़ा ज़्यादा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये मैंने शक्कर डाल दी आधा कप। मैं इसको ब्लेंड कर लूँ। ये शेक बन के तैयार हो गया है। मैं इसको गिलासों में करूँगी। अब गिलास मैंने तैयार कर लिया है धोके, इसमें मैंने थोड़ा काट के बनाना लगा दिया है। हम शेक डालेंगे इसमें। आप इसमें आइस भी डाल सकते हैं, अभी थोड़ा मौसम ठंडा चल रहा है इसलिए मैंने आइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, अपने घर वालों को पिलाए, इससे बहुत ताकत मिलती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जिनमें कैल्शियम कमी होती है, तो कैल्शियम के हासिल करने के लिए बनाना बहुत अच्छा ज़रिया है। दोपहर में बना के पिलाएँ तो बहुत ही फ़ायदा करता है। अल्लाह ताला सबके दस्तखान को हर भरा रखे, अल्लाह ताला सबके रिस्क में इजाफा करे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह ताला सब औलादों को औलाद दे, अल्लाह ताला सब बेघरों को घर दे। आमीन सो आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।